मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस की भरोसा सेल ने कुवैत में फंसे एक दंपत्ति को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। पीड़ित विजय लक्ष्मी और हरेश एक एजेंट के माध्यम से कुवैत में घरेलू काम करने गए थे। उन्हें कहा गया था कि एक परिवार में उन्हें 3 बच्चों को संभालना है और जरूरी घरेलू कामों को करना है, लेकिन कुवैत जाने पर नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ दोनों को 9 बच्चे संभालने थे और 6 कमरों की सफाई करनी थी। सुबह 6 बजे से काम शुरू कर अगले दिन सुबह 4 बजे तक वे काम करते थे। लगातार काम करने से विजय लक्ष्मी को फिट की समस्या होने लगी और वो बीमार रहने लगी। अंत में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अपने साथ ठगी होता देख विजय लक्ष्मी और हरेश भारत आने की मांग करने लगे, लेकिन कुवैत में उनका मालिक उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी दौरान विजय लक्ष्मी ने भारत में अपनी पूर्व मालकिन ज्योति पांडे से संपर्क किया। इस मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाली PSI तेजस्वी सिंधे ने बताया कि ज्योति पांडे ने भाईंदर पश्चिम स्थित भरोसा सेल से संपर्क किया, जिसके बाद कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से दोनों को भारत लाया गया। PSI तेजस्वी सिंधे ने बताया कि इससे पहले भरोसा सेल सेंट्रल अफ्रीका से भी एक लड़की को रेस्क्यू कराकर ला चुका है। इससे संबंधित खबर को देखने के बाद उन्हें भरोसा सेल के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने भरोसा सेल से संपर्क किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज। तो एक मैडम आई थी हमारे पास ज्योति पांडे करके, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन फिर भी कहीं से भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और उनके घर में पहले जो एक मेड काम किया करती थी, तो वो और उसके हस्बैंड 3 महीने पहले कुवैत में काम के लिए गए हुए हैं। जो वहाँ से वो शायद बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ से उसने उसको कांटेक्ट किया और बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और ये लोग मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, मोबाइल पे बात करने नहीं दे रहे हैं और मुझे वापस इंडिया आना है, दीदी कुछ भी करके मदद करो। इसके लिए वो हमारे पास भरोसा सेल में एप्लीकेशन लेकर आए थे। जब ये एप्लीकेशन मुझे मिला, एट दैट टाइम फिर हमारे जो ACP क्राइम सर है श्री अमोल मांडवे सर, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन आया हुआ है और 2 पति-पत्नी कुवैत में फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है, उनको वहाँ पे काम नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर है वहाँ पे, फिजिकली बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, 20-20, 22-22 घंटा उनसे काम किया जाता है, तो कुछ भी करके उनको वापस लेकर आना है। तो सर ने मुझे कहा कि DCP क्राइम सर जो अभी फिलहाल हमारे पास विजयकांत सागर सर जी है, तो उनका लेटर लगेगा एम्बेसी के लिए और वो लेटर अगर आप उन देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से हमको कोई ना कोई मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने वो लेटर ड्राफ्ट किया, मैंने हमारे जो DCP सर हैं उनका साइन लिया, एम्बेसी को लेटर भेजा, तो दूसरे ही दिन एम्बेसी ने हेल्प करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इंडियन एम्बेसी का कहना ये था कि ये जो दोनों एज अ वर्कर करके मेड करके वहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने आते वक्त वहाँ पे बॉन्ड साइन किया हुआ है, तो जो बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में उनको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद होकर एम्बेसी तक आते हैं तो ही एम्बेसी उनको हेल्प कर सकते हैं। तो उसका जो पति था उसने कैसे कैसे करके मुझे कांटेक्ट किया, मेरे से बात किया, तो एट दैट टाइम मैंने उसको एम्बेसी का मैसेज दिया कि कुछ भी करके आप दोनों एम्बेसी तक पहुंच जाइए, एम्बेसी आपको हेल्प कर देगी। तो मैडम वहाँ पर किस तरह के लेबर कानून है? वहाँ पे बहुत ही सख्त लेबर कानून है। ओके, तो वहाँ के जो लेबर कानून है उस हिसाब से आपका जो भी आपने जो भी बॉन्ड साइन किया हुआ है उस बॉन्ड का जब तक पीरियड पूरा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो वीज़ा है, वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, सारा प्रोसेस है, वहाँ का जो मालिक है वो करता है, तो इसके लिए जब तक वो सारा बॉन्ड का पेपर साइन किया हुआ जब तक पीरियड पूरा नहीं होता तब तक वो लोग आपको वहाँ से रिलीज नहीं करते। मैं मीरा रोड की हूँ और मेरे को पहले ऐसा बताया था कि आपका पगार 40,000 है इंडिया का, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि एयरपोर्ट में जॉब है, आपको खाना पास पैकिंग करना है, ऐसा करके बताया। फिर उसके बाद गए हम लोग, यानी कि रमज़ान के टाइम गए थे, रमज़ान का टाइम जाने का टाइम, जैसे हम लोग कोची गए थे, मैं कोची से दुबई, दुबई से कुवैत गई, तो मैंने उनको पूछा था एजेंट को कि आप ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उसने बोला कि पुशिंग में जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट नॉन ECR है करके,
उसके बाद वहाँ से मैं कुवैत गई, फिर कफ़िल आया, कफ़िल आते मेरे हाथ से पहला फ़ोन ले लिया, फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया, तो मैं पहला गई, फिर उसके बाद हरीश जी बाद में आए थे, तो गए मेरे हाथ से ले लिया, तो मैंने बोला फ़ोन ले लिया तो मैं घर में फ़ोन करूँगा, तो बोले ठीक है चलो करके अंदर लेके गए, घर पर लेके गए, दो दिन अच्छे से खातिर वितिर किया, मतलब दो तीन दिन हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा था। उसके बाद 24 आवर्स सुबह 6 बजे उठाते थे, शाम को 4-4:30 बजे रूममेट भेजते थे, ताला मारते थे। मैं इनको बोलती थी अरे ताला मार रहे मेरे को क्यों ऐसा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, और 6 बजे उठा रहे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, और जब भी अगर मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं, और वहाँ पर ऐसे लोग है कि आप बोलो मत कि आपको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करवाते हैं। मैं मेंटली टॉर्चर होके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मेरे को, मैंने बोला है कि मेरे को फ़ोन दे दो ना सर करके, तो मेरे को फ़ोन दिया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके, तभी मैंने ज्योति को बोला ज्योति मेरे को ऐसे ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करना। फिर मेरा फ्रेंड ने ट्विटर में डाली थी, फिर इंडियन एम्बेसी में डाला था, इंडियन एम्बेसी सामने से मेरे को फ़ोन किया था कि आप इंडियन एम्बेसी आ सकते हो क्या, हम लोग कैसे आएंगे, क्योंकि पूरा रूम को ताला मार के वो लोग रखते थे। तो कैसे कैसे करके मैं इंडियन एम्बेसी गई, इंडियन एम्बेसी में जाके देखा तो मेरे जैसे सब औरतें वहाँ पे फंसे थे, उन लोग में से मैं एक औरत ऐसी हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर आई, क्योंकि स्पेशली ज्योति और तेजस्वी मैडम ने, उन लोग ने इतना मेरा हेल्प किया कि आज का दिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कि महाराष्ट्र से सिर्फ मैं एक लेडीज में अकेली थी, ठीक है, और दो मुस्लिम्स थे, भीमंडी के थे, और मैं महाराष्ट्र के पुलिस से ये बोलती हूँ कि वहाँ पे सब लेडीज फंसा है, प्लीज़ उन लोग को भी बुला दीजिए इंडिया में। मैं धन्यवाद कहती हूँ उन लोग को, तेजस्वी मैडम को, मेरे फ्रेंड को, आज का दिन मैं अपनी बेटी का चेहरा और अपने बच्चे का चेहरा देख रही हूँ। और मैं कुवैत गया था जॉब के लिए, हमें कुछ और बोला गया था जॉब का, हमको बोला गया था कि एयरपोर्ट जॉब है, बट हमको वहाँ पे घर काम के लिए भेजा गया था, और वहाँ पे हमारे पास 2400 घंटे काम करवाते थे वो लोग, खाने को नहीं देते थे और 2400 घंटे हम लोग काम करते थे। और यहाँ से हमको, मैं तो लीगल तरीके से गया था, इनको तो अनलीगल तरीके से पुशिंग के जरिए भेजा गया था। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो ये पुशिंग का जो काम होता है वो सबसे पहले बंद करना है। एजेंट पुशिंग के नाम पे पैसे ले रहे, टिकट के नाम पे पैसे ले रहे, पीसीसी के नाम पे पैसे ले रहे और स्टैंपिंग के नाम पे पैसे ले रहे, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमको यहाँ पे वहाँ से जो वीज़ा भेजते कि आपको ये वीज़ा पे काम करना, लेकिन हमारे से वहाँ पे काम कोई और दूसरा ही करवाते हैं। यहाँ से अपने इंडिया के मतलब बहुत लोग फंसे हुए हैं, एक बंदा है मेरे पास जो 20 साल से इंडिया गया नहीं है, 20 साल से वहाँ फंसा है, इंडियन एम्बेसी उनका फाइल लेके बैठे, लेकिन अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। एक बंदा है उनका ट्रैवल बैंड हो गया जो 3 साल तक इंडिया नहीं आ सकता है। इंडियन एम्बेसी काम कर रही है, बट जो काम होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो नहीं रहा है। फिर भी हमारे इतने अच्छे नसीब है कि हम लोग 15 दिन में यहाँ इंडिया आ गए, सब ज्योति मैडम और तेजस्वी मैडम की वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको कोई भी तरीके से एम्बेसी से, सेंटर से बाहर निकालना है। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।